बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास महर्रा ललितपुर। झांसी जिला में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना पे बैठ गए हैं और जो धरना दे रहे हैं वे थाने में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के गलोटा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाहरलाल राजपूत देर रात नवाबाद थाने में धरना पर बैठ गए। उनने आरोप लगाओ कि दतावली मतदान केंद्र पर जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करी पुलिस उन्हें बचाव चाह रही और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को विरोध करे उन्हें गिरफ्तार कर लो। विधायक ने कही है कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करे जब तक उनको रिहा नहीं करे जब धरना पर बैठे रहे। दरअसल 15 तारीख को झांसी में पंचायत चुनाव का मतदान हो और विधायक को आरोप है कि दतावली कला में ग्राम प्रधान पद के 10 में से 9 प्रत्याशियों ने कही है कि पुलिस प्रशासन और पीठासीन अधिकारी ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग कराई है। इको विरोध और शिकायत करवे किला ने वे जिलाधिकारी एसएसपी से मिलवो चाह रहे थे। विधायक के मुताबिक वे आवेदन लेकर कचहरी पहुंचे थे और एसएसपी ने मिलवे को समय दो तो लेकिन उनके पहले ही प्रत्याशियों को गिरफ्तार कर लो उनके ही सामने। पंचायत चुनाव के दौरान दतावली गांव जो समथर थाने के अंतर्गत आता है उसमें गांव वालों की शिकायत थी, खासतौर से जो प्रधान प्रत्याशी थे कि एक प्रत्याशी ने वहां के थानाध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी से मिलकर बूथ कैप्चरिंग कराई, उसका गांव वालों ने विरोध किया, उसमें पथराव हुआ। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष था वो यहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी से मिलने के लिए कचहरी आए थे। उसके बाद हमें भी प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने, तो हमने समय मांगा। एसएसपी ने 7:30 का समय दिया लेकिन इसके पूर्व एसएसपी ने उन्हें कचहरी से उन लोगों को अरेस्ट करा लिया, बल्कि उनको भी अरेस्ट करा लिया जो हमारे साथ बैठे हुए थे और हमारे साथ भी अभद्रता की। तो ये गलत बात है भाई, अगर पीड़ित पक्ष आया है उसकी जिलाधिकारी एसएसपी न सुने और एक विधायक के तौर पर अगर हमारे पास आए थे, भाई दोषी कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पहले ही से किसी को मैं बंद कर दो, जबकि पकड़ा जाना चाहिए था दूसरे लोगों को उस घटना को छिपाने के लिए और दूसरी तरफ मोड़ दिया प्रशासन ने। तो अपन चाहते इसका जांच होना चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और पुनः मतदान की मांग थी तो पुनः मतदान तो हो रहा है, लेकिन जिसने इसने बदमाशी की है, चालाकी की है प्रशासन से मिलकर, उसकी जांच होना चाहिए। उसको प्रशासन दबा रहा है उसको। विधायक ने आरोप लगाओ कि जिन ने बूथ कैप्चरिंग करी है पुलिस और प्रशासन उनको बचाओ चाह रहो और बाकी जो लोग सही हैं उनको गिरफ्तार करवा लो। अब बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब अपनी सरकार में न्याय मांग रहे तो फिर आम जनता को का हुई है। बुंदेली बोछार के लाने राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। बुंदेली बोछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बोछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बोछार की।